नाउ आज का जो क्वेश्चन है ये माइनस वन से वन कॉट इनवर्स वन बाई दिस इंटू कॉट इनवर्स एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर मॉड एक्स डी एक्स इक्वल टू दिस फॉर ए बी सी नेचुरल नंबर देन ए प्लस बी प्लस सी इज क्लियर क्या होगा. सो दैट इज को क्या करना है, देखो ये दोनों को जब ऐड करोगे जीरो है तो एक्स का जगह पे माइनस एक्स लिखना है. कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स सो दैट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. ए दोनों को आप ऐड करो, जब दोनों को ऐड करोगे तुम्हें क्या मिलेगा देखो ए मिलेगा. ए तो इवन फंक्शन है सो यू कैन राइट कॉट इनवर्स वन बाई एक्स मीन्स क्या टेन इनवर्स ऑफ दिस. सो दैट मीन्स क्या देखो आई इज इक्वल टू पाई जीरो से वन टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स. सो आई इज इक्वल टू पाई जीरो से वन टेन इनवर्स ऑफ दिस. अभी इसको लिखो टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन. ठीक है अभी आई लिख लगाया सो दिस इज क्लियर. सो आई लेट में ए फर्स्ट फंक्शन है और वन डी एक्स जीरो से वन, जीरो से वन इसका डेरिवेटिव वन बाई दिस इसका स्क्वायर एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन बाई टू रूट एक्स. सो दिस इज फिर इसका डेरिवेटिव क्या है माइनस टू एक्स. इसका इंटीग्रेशन क्या है एक्स है. ए इधर देखो सिंप्लीफाई करो टू टू कैंसिल ए माइनस माइनस को प्लस हो गया. अभी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर सो टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस. नाउ आज का जो क्वेश्चन है सो दैट इज आई इज इक्वल टू पाई जीरो से वन सो दिस. अभी इस पर क्या करोगे एक्स के जगह पे साइन थीटा पुट करो. ए साइन स्क्वायर थीटा ये क्या देगा ये तो कॉस थीटा. डी एक्स का वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा ए कैंसिल हो गया. अभी यहीं से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है और टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो उसके बाद इसको सेपरेट कर दिया. तो सेपरेट जब करोगे तो तुम्हें डी थीटा मिलेगा ना पाई बाई टू इसीलिए माइनस पाई स्क्वायर बाई टू है. एंड इसका सर जब लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस टू पाई दिस. यहीं पे क्या करना है ना कॉस स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड करो. सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू है. डायरेक्ट टेन थीटा इक्वल टू टी पुट कर तो देखो सो दैट इज सो व्हाट यू विल गेट सो दिस इज बाई रूट टू है. ठीक है सो वन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होगा वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए है ना. सो दिस इज वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए है. अब ये टू टू कैंसिल है पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर नीचे वन बाई रूट टू माइनस दिस एलसीएम ले लिया. सो दिस अब इसका साथ कंपेयर करो तो ए का वैल्यू टू है बी का वैल्यू वन सी का वैल्यू फोर है. सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी सो द वैल्यू इज सेवन है. ऐसा ही अमेजिंग सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे आगे जरूर लाइक एंड शेयर करें. आज का जो क्वेश्चन है जीरो से पाई वाई टू कॉस एक्स रूट टू प्लस वन बाई जीरो से पाई वाई टू कॉस एक्स रूट टू माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एन माइनस रूट एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन एन इज. इसको मैंने आई वन कंसिडर किया इसको आई टू कंसिडर किया. अभी आई वन को आई रेट लगा दिया इसको अलग अलग कर लिया दिस इंटू कॉस एक्स आई रेट लगाया बस और कुछ नहीं किया. ठीक है इसका वैल्यू तो जीरो हो गया और यहीं पे ये जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया बस इसको ब्रेक कर दिया. ए क्या है ए क्या था सो दिस इज आई टू है ए आई वन है आई टू माइनस आई वन. सो आई वन को इधर कर लिया रूट टू प्लस वन आई वन इक्वल टू रूट टू आई टू है रेसलाइज कर लिया सो दैट इज इक्वल टू दिस. तो एन का वैल्यू क्या है टू है. ऐसा ही अमेजिंग सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे आगे जरूर लाइक एंड शेयर करना. ऑल द वेरी बेस्ट.